खबर उत्तर प्रदेश के जौनपुर से, जहां पर रामलीला मंचन के दौरान भगवान शिव का किरदार निभा रहे कलाकार की हार्ट अटैक से मौत हो गई। स्टेज पर अभिनय के दौरान शिव बने कलाकार की मौत हो गई, जिसका वीडियो भी सामने आया है। घटना मछली शहर थाना क्षेत्र के आदर्श रामलीला समिति बेलसीन की बताई जा रही है, जहां पर हार्ट अटैक से कलाकार की स्टेज पर ही मौत हो गई। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि क्राइमिया पुल के तबाह होने से बौखलाए पुतिन ने अपने सबसे आधुनिक और घातक टैंक जंग में उतार दिए। दावा है कि 8 अक्टूबर को यूक्रेन की सेना ने रूस को क्राइमिया से जोड़ने वाले कर्ज ब्रिज को उड़ा दिया था, जिससे पुतिन आग बबूला हैं और वो यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइलों की बारिश कर रहे हैं। यूक्रेन ने दावा किया कि एक रोज पहले रूसी सेना ने कीव और उसके आसपास के शहरों पर 70 से ज्यादा मिसाइलों से अटैक किया। इन मिसाइल हमलों के बाद कीव की सड़कों पर आग का बवंडर उठता दिखा। इमारतों से उठते काले धुएं के गुबार ने तो लोगों को दहशत से भर दिया। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि क्राइमिया ब्रिज टूटने से पुतिन का गुस्सा सातवें आसमान पर है और उन्होंने अपनी सेना को कीव पर कब्जा जमाने का आदेश दे दिया है। इसी वजह से रूसी सेना कीव पर मिसाइल और रॉकेट से ताबड़तोड़ हमले कर रही है, लेकिन अब रूस ने अपना एक और घातक हथियार जंग के मैदान में उतार दिया है। पुतिन का ये नया हथियार एक टैंक है जिसका नाम है T-14 अर्मादा, जिसे रूस की सेना का महाबली तक कहा जाता है। मतलब ये कि पुतिन ने जंग जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। उन्होंने यूक्रेन को नाक का सवाल बना लिया है। वो किसी